बताना यह है कि ये आदिल खान साहब जो हैं जो टूर्नामेंट उड़वा रहे हैं 41 वाला, उनका एक कबूतर हमने पकड़ा है। आज उन्होंने 50-60 कबूतर उड़ाए थे, 80 कबूतर उड़ाए थे, उसमें से एक कबूतर ये उनका हमारे यहाँ गया। बड़ा परेल कबूतर है, बहुत प्यारी आँख है इसकी, आँख का शौक करिए आप। और सबसे बड़ी बात इसकी क्वालिटी ये है कि इसके पंजे बहुत प्यारे हैं, खुश्क पंजे हैं और पर बहुत चौड़े चौड़े हैं और बहुत वजूद में उड़ने वाला हर चीज। एक कबूतर कल से आया चप्पू अंकल का हो सके। हाँ हाँ दिखाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पर बहुत क्वालिटीदार हैं इसके पर। ये सुनने में आया है कि जावेद भाई हैं आड़ती जो हैं उनके यहाँ का कबूतर है ये, उन्होंने पट्टा दिया था खास आपको उड़ाने के लिए, लेकिन ये अल्लाह ने हमें दे दिया है। अब हम भी सोच रहे हैं कि क्या करते हैं, लेकिन हमारा तो उनसे लेन देन है। और दूसरी बात यह है कि मतलब बड़े भाई हैं वो, तो इसलिए उस्ताद आकिब देने को कह रहा है उनका कबूतर के चलो दे देते हैं, लेकिन क्या देने देंगे देंगे, लेकिन लेकिन घर की बात है, लेकिन देने वाला कबूतर है नहीं है, उड़ाने का रोकने का कबूतर। मगर जावेद आरती साहब के पास ये नस्लें कहाँ से आ गई? जावेद आरती ने जो नस्लें बनाई थी है खुद तो वो बेशक पेटल मेटल से हैं, लेकिन माशाल्लाह लम्हे नजर बस से बचाए। नस्ल बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा पंछी है, अल्लाह मियां इनके यहाँ टाइम में लगाई इसे, आमीन। देखने लायक। जावेद भाई तो खुद बहुत अच्छे आदमी है, हंसी मजाक की बातें करते हैं, पब्लिक को खुश रखते हैं, दिल बनाने की। कबूतर जाने नस्ल कहाँ से बनाई उन्होंने ये समझ में नहीं आया। नस्लें बहुत अच्छी, बहुत प्यारी नस्लें हैं, लेकिन जगह जगह पिट रहे हैं। एक हमारे अभी कोरे हैं, जावेद भाई की नस्ल सवारी गिरता मैदान में नहीं, हमें भी दिया था एक उन्होंने, वो भी अमरुद्दीन भाई के यहाँ चेप की सीख खाओ बैठा। हाँ यार ये चीज तो सही कह रहे हैं तुम, है अमरुद्दीन अमरुद्दीन भाई है एक, उनके लड़के ने चेप मार दिया, उसे भी उन्होंने बंदी बना लिया। हाँ यार, तो ये जावेद भाई की नस्ल कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खाती फिर रही हूँ, लग रहा है मुझे बल्ला बेहतर। चलो अभी खास आप क्या इसका रिकॉर्ड पूछेंगे? हाँ इसका रिकॉर्ड पूछेंगे, ये उड़ा और उड़ता हुआ आता हुआ आसमान से बहुत प्यारा लग रहा है। 10 पट्टे दे रखे हैं जावेद आड़ती ने, अब पक्का नहीं कह सकता कि उनमें से ये उड़े, लेकिन ये कबूतर जरूर उड़ेगा वजूद में बहुत अच्छा है। और भी उड़ेगा सब बढ़िया। और सबसे बड़ी बात ये है कि पंजे बहुत प्यारे हैं इसके, मुझे बहुत पसंद आया, और हड्डे बहुत लंबे लंबे हैं इसके। तो जावेद भाई को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके? बस जावेद भाई से ये कहना चाहूंगा कि और पट्टे कराओ आप, लेकिन थोड़ा सा इनमें चेंजिंग लाओ आप, क्योंकि आपके पट्टे उठने के बाद पिटना नहीं चाहिए। और वो जैसे मुस्कुराते रहते हैं, हाँ मुस्कुराहट ऐसे मुस्कुराते रहे, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहे। खून जलाने वाली बातें ना करें, उल्टे सीधे नियम बना के। खून जलाने वाली बातें ना करें, उल्टे सीधे नियम बना के। जावेद भाई से मेरी ये इल्तिजा है। चलिए चलिए चलो अब स्टॉप, चलो अब ऐसे ही दिखा दो बस। इसे इसे जाल में छोड़ेंगे ऐसे? नहीं जाल में, बहुत प्यारा पट्टा है माशाल्लाह। ऐसे बस 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 इसे कहेंगे क्या? देवंदी कहेंगे? ना ना, बाजरा 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 खूबसूरत नस्ल है ये। हाँ। चलिए तो फ्रेंड्स, रिया चौधरी ने आपको ये पकड़ का शौक कराया, आज तो पकड़े 10 तक पहुंच गई हैं। 11 पकड़ा है ये, और दो बैठ के भाग गए। तो फ्रेंड्स और कराएंगे आपको आगे भी शौक, आज वीडियोस बन गई हैं 2-3। ओके थैंक यू।